जनपद जालौन में एसपी ने लगाई व्यापारियों की पाठशाला। एसपी जालौन सतीश कुमार ने आज पुलिस लाइन सभागार में व्यापारियों के साथ व्यापारिक अपराध जैसे मुद्दों पर बात की, जिसमें शहर के लगभग सभी सामान्य व्यापारियों ने कप्तान साहब को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हालांकि जिले में व्यापारियों से रंगदारी मारने जैसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई, लेकिन फिर भी आत्मसुरक्षा के लिए व्यापारियों ने बंदूक का लाइसेंस की पेशकश की। लाइसेंस की बात पर एसपी जालौन ने कहा कि हर व्यापारी को बंदूक लाइसेंस देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो अति ज़रूरतमंद हैं उनको आत्मसुरक्षा के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एसपी सतीश कुमार ने व्यापारियों में साफ शब्दों में कहा कि पॉलीथीन जैसी अवैध सामग्री का प्रयोग ना करें। जिन बिकाऊ चीज़ों पर सरकार ने लाइसेंस की व्यवस्था की है उनको बिना लाइसेंस ना बेचकर चोरी की समस्या से दूर रहें। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। उन्होंने कहा कि व्यापारी सुरक्षित होकर व्यापार करें, यह हमारी प्राथमिकताओं में है। प्रशासन और व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिस पर मकसद व्यापारियों को हो रही समस्याओं का तुरंत कार्रवाई करके समस्या का निवारण किया जाए। मीटिंग के अंत में एसपी जालौन ने व्यापारियों का हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करने के लिए कहा, जिसमें सभी सम्मानित व्यापारियों ने एक सुर में स्वीकार किया। मतलब क्या रहा है इसमें? आज पूरे जनपद के सभी व्यापारी जितने भी थे, व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग की गई। इसमें सराफा व्यापारी थे, इसमें और भी कई तरह के व्यापारी थे, सभी लोगों से वार्ता की गई, सबकी बातें सुनी गई और सभी लोगों ने कहा कि वो पुलिस का पूरा सहयोग चाहते हैं और पुलिस का सहयोग करते हैं। सभी ने अपनी अपनी परेशानियाँ बताई और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि सीसीटीवी कैमरे को लगाने के लिए सबने कहा कि हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपनी तरफ से हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। और सभी लोगों को बताया गया हमारी तरफ से कि वो हेलमेट लगाएं, यातायात के नियमों का पालन करें एवं कोई बिना लाइसेंस का या बिना कोई कागज़ का अगर कोई माल कोई लाता है, कोई कुछ बात कहता है, तो वो उसमें ध्यान न दें और ऐसे लोगों से दूर रहें। इसके अलावा व्यापारियों ने कहा कि उन्हें सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस की ज़रूरत है, जिसमें वो लाइसेंस चाहते हैं। हमने कहा कि उनको प्रायोरिटी पर उनको लाइसेंस दिए जाएंगे और उनकी फाइलों को हम प्रायोरिटी पर बढ़ाएंगे। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी पूरी तरह से कार्य किया जाएगा। उनकी ये हमने एक महत्वपूर्ण काम किया है कि सभी पूरे जनपद के व्यापारियों का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग जुड़ेंगे और जो उसमें सरकार के निर्देश हैं, हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जो बताई गई चीज़ें, उन चीज़ों को व्यापारियों तक हम पहुँचाएंगे कि उनके ये अधिकार हैं, उनके लिए जो चीज़ें सरकार चाहती है वो उनके अधिकार उनको बताए जाएंगे, जिससे कि वो उसमें कार्य कर सकें और हम भी उनका पूरा सहयोग कर सकें। जालौन से UP24 न्यूज के लिए मनोज कुमार से भरे की रिपोर्ट।